साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। क्यों अली अब्बास को टाइगर 3 से हटाया गया? कौन कर रहा है आने वाली टाइगर 3 को डायरेक्ट? क्या बाकी सीक्वल्स की तरह भी ये भी रहेगी एक हिट? वहीं जहां हिट रही टाइगर फ्रेंचाइज की दोनों फिल्में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। एक था टाइगर में जहां कबीर खान द्वारा डायरेक्ट किया गया था, वहीं टाइगर जिंदा है यानी कि सेकंड सीक्वल अली अब्बास ने डायरेक्ट किया था। अब आने वाली टाइगर 3 यानी कि तीसरे सीक्वल को भी अली अब्बास ही डायरेक्ट करने वाले हैं। पर अब पता लगा है कि बायोटेक के प्रोजेक्ट 50 यानी 50 साल के बैनर तले आने वाली है फिल्म टाइगर 3 को आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा मिलकर डायरेक्ट करने वाले हैं। 350 करोड़ में बनने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है टाइगर 3। 2019 के समय में भी अली अब्बास जफर ने सलमान खान के साथ फिल्म करने का ऐलान किया था जो टाइगर 3 ही थी। और हैरानी की बात यह है कि अब्बास ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से अली अब्बास का नाम लिया जाता है। ऐसे में उनको फिल्म से हटाने का क्या कारण रहा होगा? दरअसल अली अब्बास इस साल 2-3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिनमें टाइगर 3 भी शामिल है। ऐसे में आदित्य चोपड़ा का कहना था कि वो चाहते हैं कि अली अपना 100% समय टाइगर 3 फिल्म को ही दे, पर अली अब्बास ऐसा नहीं सोचते हैं। उनका सोचना अलग है और इसी बात को लेकर दोनों में काफी लंबी डिस्कशन भी चली थी और अली ने फिल्म से पीछे हटने का डिसीजन ले लिया। आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास के रिश्ते में कोई खटास नहीं आई है, बल्कि वो जल्द ही एक साथ एक और फिल्म में काम करने में नजर आने वाले हैं। अली ने फिल्म में निकलने के बाद टाइगर 3 के मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं। आदित्य ने मनीष शर्मा की स्क्रिप्ट देखते ही सलमान खान को फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई और सलमान ने तुरंत ही मनीष को इस फिल्म में डायरेक्शन के लिए रख दिया। देखते हैं अब मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बन रही टाइगर 3 कैसी रहती है और साथ ही साथ क्या लोग पहले दो सीक्वल की तरह आने वाली टाइगर 3 को उतना प्यार करेंगे या नहीं। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मनीष शर्मा की डायरेक्ट की गई फिल्में कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।